शहर के भालदारपुरा परिसर में 9 जून की देर रात दो पक्षों में अचानक हुए विवाद से हड़कंप मच गया मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त लगाया है जानकारी के अनुसार भालदारपुरा की पुरानी चित्रा टॉकीज के खंडहर परिसर में कुछ लोग गांजा और शराब का नशा करने के लिए नियमित आते हैं यह बात गौलीपुरा के कुछ युवकों को पसंद नहीं थी इसीलिए यहाँ ऐसी चार पाँच युवक चित्रा टॉकिज परिसर में गए और उन्होंने मौके पर नशा करते हुए मिले युवाओं को समझाने का प्रयास किया इससे मौके पर मौजूद राजा नामक युवा भड़क गया उसने अपने साथियों के साथ समझाने आए लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें भगा दिया जब ये लोग गौलीपुरा पहुँचे तो वहाँ जाकर पूरी घटना बताई जिससे गुस्साए लोग दोषियों को सबक सिखाने के लिए चित्रा टॉकिज के परिसर में गए लेकिन तब तक राजा और उसके साथी वहाँ ऐसी भाग गए थे इसके बाद वे उन्हें तलाश करते भालदारपुरा पहुँच गए यहाँ उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट जबकि इसके भड़क भालदारपुरा में कुछ लोगों को लगी तो वहाँ से 30 से 40 लोग इकट्ठा होकर हथियार के साथ मौके पर आ धमके विवाद ज्यादा बढ़ता देख दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को ठंडा करने की कोशिश की इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी तो घटनास्थल आरोप दो थाने की पुलिस पहुँच गयी मामले को बढ़ता देख डी सी के साथ गणेश और कोतवाली थाने का स्टाफ बड़ी संख्या में मौके आरोप पहुँचा पोलीस स्टेशनला फिर्यादी अनिकेत राजू बडगई व सत्तावीस वर्ष राहणार पारडी यांनी रिपोर्ट दिलेली आहे की त्या काल दिनांक नऊ तारखेला रात्री अकरा वाजता सुमारास ते आपल्या घरी परत जात असताना त्या काकाकडे तिथे त्याच्या घराजवळ काही लोकांची गर्दी दिसली त्याच्या बोलण्यामध्ये राहणारे दोन तीन इसम होते त्या मुलांना कोणीतरी मारहाण करत होते म्हणून झगडा सोडण्यासाठी तिथे गेला होता आणि झगडा सोडत असताना त्या झगड्यामध्ये हजर असलेले मारह जख्मी है उन्होंने देखा कि मौके पर दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग जमा हुए थे मामले की गंभीरता को भागते हुए तुरंत परिसर में कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख बी सी एन न्यूज नागपुर